आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियंका भारती की मौत की जांच के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय टीम, एसएसपी ने कहा, सीएमओ के नेतृत्व में गठित टीम प्रियंका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा करेगी पड़ताल, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। 6 अगस्त को जनपद के 49 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा, सुचिता के दिए निर्देश। ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कुमार हत्याकांड में सोमवार को 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ अब तक 10 अभियुक्तों को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार, एसएसपी ने दी जानकारी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर 3 अगस्त को चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण का महाअभियान, सीएमओ ने कहा, 207 केंद्रों पर 60,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण का है लक्ष्य, तैयारियां पूरी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तैयारी बैठक, कहा, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस, प्लास्टिक के झंडे रहेंगे प्रतिबंधित। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद सोमवार को मुख्य द्वार पर रहा पुलिस का पहरा, छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने चीफ प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन, एसपीसीटी ने कहा, घटना की होगी निष्पक्ष जांच। साइबर क्राइम से पुलिस पेंशनरों को बचाने के लिए सभी थानों पर पेंशनरों की बैठक कर किया जा रहा है जागरूक, पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए लिया जाएगा पेंशनरों का सहयोग, एसएसपी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 5 अगस्त को प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किए जाने वाले वितरण की तैयारी बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चेकिंग के दौरान 8 पशु तस्करों को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 पिकअप पर 8 मवेशी को किया बरामद, दोनों पिकअप को किया सीज। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 28 केंद्रों पर 7,684 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,863 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,821 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाए टीका जीत का। विद्युत विभाग के प्राइवेट लाइन मैन के द्वारा अवैध वसूली के संबंध में स्थानीय पार्षद ने मुख्य अभियंता विद्युत को सौंपा ज्ञापन, चीफ इंजीनियर ने कहा, टीम गठित कर कराई जाएगी जांच, दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। गोरखपुर में सोमवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,366, अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 15 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पूर्वाई कला अकादमी के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्वांचल की परंपरागत लोक कलाएं विषयक संगोष्ठी व पूर्वाई कला सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, डॉक्टर राजीव केतन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों से असंतुष्ट कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, एडीएम फाइनेंस के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन, अंक सुधारने की मांग। ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कनौजिया के शेष बचे हत्यारों की गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कनौजिया महासभा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू का सोमवार को भी दिखा मिला जुला असर, एसपीसीटी ने कहा, ऐप के जरिए की जा रही है बैरियरों की निगरानी, अनावश्यक घूमने वालों पर की जा रही है विधिक कार्यवाही। और सावन के दूसरे सोमवार को भी बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, जलाभिषेक एवं पुष्प अर्पित कर लोगों ने की शिव की आराधना, मांगी मन्नत।